कल हम लोग फीवर, न्यूमोनिया टेक में फीवर के बारे में पढ़े और बाकी फीवर के बारे में जो एलेंस में हमारे दिया हुआ है पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे भी। तो अभी हम लोग कल न्यूमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, टाइफाइड फीवर कैसा होता है, उसमें कौन कौन सा मेडिसिन को दिया जाएगा या कौन कौन सा मेडिसिन के लक्षण देखे जाते हैं। नंबर वन, ऑरम ट्राइफाइलो। टाइफाइड इज कैलेटिव विद एपैथी स्कैंटी ऑफ सप्रेस्ड यूरिन। यूरिन सप्रेस्ड होने के बाद में अगर फीवर है या टाइफाइड पेशेंट है और उसको देख लो यूरिन नहीं हो रहा है तो दैट इज अनट्रीटेड यूरेमिया। अब वहां पर जाओगे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है देन यू थिंक द ऑरम ट्राइफाइलो। बैक्टीरिया कैसा होगा उसका फीवर, इनहेशन एंड डिस्चार्जेस 15 स्पेशली टाइफाइड एंड अदर एक्टिविटीज, ब्रीथ स्टूल यूरिन प्रेस्पिरेशन अल्सर, सारा पूरा गंध से भरता रहेगा। डिक्यूबिटस इन टाइफाइड आर्निका म्यूरिक एसिड एंड पैराजिनम। डिक्यूबिटस मतलब सड़न घाव, सड़न टाइप का। लेकेसिस इन टाइफाइड फीवर, फीवर टाइफाइड टाइफस स्टुपर और मटरिंग डिलीरियम सेकंड कॉन्टिनेंसेस फॉलिंग ऑफ लोअर जॉ टंग ड्राई ब्लैक ट्रेम्बल्स एंड प्रोट्रूडिंग टू डिफिकल्टी इन कैचेस ऑन द टीथ व्हेन प्रोट्रूडिंग कंजक्टिविट येलो और ऑरेंज कलर प्रेस्पिरेशन कोल्ड एंड स्टैन येलो एंड ब्लडी दैट इज लेगेसिस। लेगेसिस पेशेंट हॉट भी रहेगा और होगा म्यूरिक एसिड इन टाइफाइड फीवर डीप स्टूपिड स्लीप बहुत भयंकर नींद से एकदम रहेगा अनकॉन्शियसनेस विथ अवेक लाउड मॉर्निंग एंड मटरिंग टंग कोटेड विथ एजेस स्किन ड्राई लेदर लाइक पैरालाइज्ड इनवॉलंटरी फिटेड स्टील विथ पासिंग यूरिन स्लाइडिंग डाउन इन बेड पल्स इंटरमिटेंट इन एवरी थर्ड बीट में इंटरमीडिएट रहेगा छोड़ छोड़ करके होगा। फॉस्फोरिक एसिड सेरेब्रल टाइफाइड्स कंप्लीट एपैथी एंड स्टुपर टेक्स नोटिस लाइज लाइक ए लॉन्ग एकदम लंबा पड़ा हुआ रहेगा अटरली रिगार्डलेस ऑफ सराउंडिंग इंटेस्टाइनल हेमरेज एंड ब्लड डार्क इंटेस्टाइन से हेमरेज भी होते रहेगा डार्क ब्लड का दैट इज एसिड कॉज। पैराजिनम, पैराजिनम एक ऐसे मेडिसिन है हर फीवर में थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे तो आपको देने का मन करेगा। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डिप्थेरिया टाइफाइड और टाइफस व्हेन बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू एमिलिएट द परमानेंटली इम्प्रूव। अगर टाइफाइड फीवर ड्रॉप नहीं कर रहा है बहुत से मेडिसिन देने के बाद भी अगर नहीं रिजल्ट आ रहा है देन यू थिंक द पैराजिनम। डायरेक्शन, ड्यूबिलिटी लॉस ऑफ एपेटाइट प्रोफ्यूज नाइट स्वीट्स स्पेशली व्हेन कन्वर्सिंग फ्रॉम बाइलियस और टाइफाइड फीवर रेस्टलेसनेस ऑफ लिम्स ऑफ द टाइफाइड। टाइफाइड के समय में अगर रेस्टलेसनेस ऑफ लिम्स से पैर हाथ पटकता रहता है देन यू थिंक द डायरेक्शन अदर मेडिसिन रेस्ट्रिक्ट एंड जिंकम। मैं थोड़े स्पीड से पढ़ाऊंगा बहुत बड़ा चैप्टर है ये है तो जस्ट मैं रीडिंग मारते जाऊंगा। इंटरमीडिएट फीवर उसके बाद आगे जनरल टाइफाइड फीवर के बाद इंटरमीडिएट फीवर। पहले इंटरमीडिएट फीवर किसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट फीवर ए टाइप ऑफ फीवर दैट साइकल्स बिटवीन एलिवेटेड एंड नॉर्मल टेम्परेचर। It's characterized by the period when your temperature is high for several hours, followed by periods when it returns to be normal. Intermittent fever are often in a sign of infection and inflammation of the body. तो intermittent fever किसको बोलते हैं? एक बार में high temperature हो जाएगा, फिर बाद में drop हो जाएगा। या कुछ देर तक ठीक रहेगा, फिर temperature high हो गया। That is the intermittent fever, maybe due to infection or inflammation of your body. अब इंटरमीडिएट फीवर के लिए कौन कौन सा मेडिसिन है? एपिस्मेल, इंटरमीडिएट फीवर चिल जाड़ा लगना 3 PM विथ थर्स्ट ऑलवेज प्यास के समय जनरली एपिसिस थर्स्टलेस पेशेंट बट फीवर के समय उसको प्यास लगेगा 3 PM में अगर फीवर आता है देन यू थिंक द एपिस्मेल। वर्स फ्रॉम वार्म रूम एंड फ्रॉम एक्सटर्नल हीट थूजा 3 AM एंड 3 PM थूजा कब दोनों जगह होगा लेकिन एपिस में सिर्फ 3 PM में होगा सिंकोना और चाइना
इंटरमीडिएट फीवर पेशेंट्स पार्टिसिपेट फ्रॉम टू और थ्री आवर्स ईच अटैक, दो तीन घंटा में एक बार बीमार हो जाना वह बहुत ज्यादा लगना है। रिटर्न एवरी 7 और 14 डेज, नेवर एट नाइट, रात में बिल्कुल नहीं होगा फीवर, और 7वें और 14वें दिन इसका फीवर हो जाना। स्विच प्रोफेशनली ऑल ओवर बीइंग कवर्ड विद ड्यूरिंग स्लीप, कवर्ड एरिया में बहुत ज्यादा स्वीटिंग होना, पसीना निकलना। कोनियम एपिका का इंटरमीडिएट फीवर कैसा होगा? इंटरमीडिएट फीवर इन बिगिनिंग ऑफ इरेगुलर केसेस विद नोशिया और गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस आफ्टर अब्यूज ऑफ सप्रेशन ऑफ क्विनिन, क्विनिन उनेन मलेरिया मेडिसिन खाने के बाद में अगर फीवर देखा जा रहा है देन यू गो फॉर एपिका, वहां पर नोशिया रहना जरूरी है। नेफ्टामियोर इंटरमीडिएट पेरोक्सिज्म एट 10 to 11 AM के अगर बुखार आ रहा है, ओल्ड एंड क्रॉनिक है, बेडली ट्रीटेड केसेस स्पेशली आफ्टर सप्रेशन ऑफ क्विनिन, हेडेक विद कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग चिल हीट एंड स्वीट एंड एबलेशन इन पेन। नेफ्टामियोर इज बेस्ट मेडिसिन आफ्टर यूज ऑफ मलेरियल मेडिसिन। मलेरियल मेडिसिन आजकल क्या होगा, कॉमन हो गया जनरल में फीवर, पहले गवर्नमेंट पहले कोई भी बुखार आता है आपको क्विनिन खिलाना जरूरी है, कुछ भी बुखार होगा देगा, तो उस केसेस में आपके पास जब फीवर नहीं ठीक हो रहा है आ रहा है तो देन यू थिंक दैट नेफ्टामियोर अदर इज एपिका इफ नोशिया इज देयर। फीवर ब्लिस्टर्स अपीयर्स लाइक द लिप्स, लिप्स के में छोटे छोटे पल्स जैसे दाने हो जाएंगे, सोर एंड क्रैक्ड अल्सरेटेड नाइट्रिक एसिड जैसा। कैरिबिन प्रोफाइलेटिक इन मलेरिया एंड अफ्रीकन फीवर के लिए प्रोफाइलेटिक के रूप में काम करता है ये, मलेरिया नहीं होना तो पहले से टेरिबिन वगैरह देने से फीवर नहीं आएगा, तो टेरिबिन दीजिए प्रोफाइलेटिक मेडिसिन। प्रेट्रोसेलिनम इंटरमीडिएट फीवर कॉम्प्लिकेटिंग ट्रॉमेटिक और क्रॉनिक यूरेथ्राइटिस और स्ट्रिक्चर, तो यूरेथ्राइटिस और स्ट्रिक्चर होने के बाद में अगर इंटरमीडिएट फीवर हो रहा है देन यू थिंक द पेट्रोसेलिनम विद एब्डोमिनल एफेक्शन एंड रिवेटेड और डिफेक्टिव एसिमिलेशन। और टेरिबिन बताया मैं प्रोफाइलेटिक एंड मलेरिया एंड अफ्रीकन फीवर्स। मेटोमेलबम इन कंजेस्टिव एंड पेरिसिस इंटरमीडिएट फीवर विद एक्सट्रीम कोल्डनेस थर्स्ट फेस कोल्ड एंड कोलैप्स स्किन कोल्ड एंड क्लैमी ग्रेट प्रोस्ट्रेशन कोल्ड स्वीट ऑफ फोरहेड एंड डेथली पेलर ऑन फेस। लेगेसिस फीवर एनुअली रिटर्निंग पेरोक्सिज्म एवरी स्प्रिंग, हमेशा स्प्रिंग सीजन के समय में साल में एक बार उसको बुखार हो जाएगा, कार्बोवेजन सल्फर भी है आफ्टर सेपरेशन ऑफ क्विनिन और प्रीवियस ऑटम। व्हाट इज हे फीवर, वो इंटरमीडिएट फीवर के बारे में बताया, नाउ कम टू हे फीवर। हे फीवर ऑल्सो कॉल्ड एलर्जिक राइनाइटिस कॉज कोल्ड लाइक सिम्टम्स, दिस में इंक्लूड्स ए रनिंग नोज, इची आईज, कंजेशन, स्नीजिंग एंड साइनस प्रेशर, बट अनलाइक टू कोल्ड हे फीवर इजेंट कॉल्ड बाय द वायरस, ये कोई वायरस से नहीं होता है, ठीक है। हे फीवर इज नॉट कॉज बाय वायरस। एलियम सिपा हे फीवर इन अगस्त इन एवरी ईयर, एवरी ईयर अगस्त के समय में फीवर हो जाना, वायलेंट स्नीजिंग और राइजिंग फ्रॉम वेट फ्रॉम हैंडलिंग पीचेस। नेफ्टामियोर हे फीवर स्पीरिंग सेंसेशन इन द नोस्ट्रिल एज ए स्मॉल वॉर्म, नाक हमें से करते मालूम पड़ता कोई कीड़ा घुसा हुआ, ब्रॉट ऑन बाय एक्सपोजर ऑफ हॉट सन एंड इंटेंस समर ऑफ हीट, ड्यू टू समर ऑफ हीट एक्सपोज टू हॉट अगर फीवर है देन यू गो फॉर नेफ्टामियोर। हे फीवर अपीयरिंग रेगुलरली एवरी ईयर इन द सेम डे ऑफ दिस मंथ, कोई भी एक टू मंथ फिक्स रहेगा और सेम मंथ में साल में एक बार बुखार आएगा, दैट इज सोरिनम विथ आजमाटिक सोरिक एंड एग्जामिसिस हिस्ट्री। फीवर का क्या हिस्ट्री रहेगा, आजमा, सोरियासिस और श्वास का प्रॉब्लम आजमा। पेशेंट शुड बी ट्रीटेड द प्रीवियस विंटर टू इराडिकेट द डायथिसिस एंड प्रिवेंट समर अटैक, ये कभी कभी विंटर सीजन में दवाई दिया जाता है जो समर में ये अटैक ना आए। हेक्टिक फीवर, अब हेक्टिक फीवर किसे बोलते हैं, हे फीवर समझ गए, इंटरमीडिएट समझ गए, व्हाट इज हेक्टिक फीवर।
Hectic fever is a type of fever that characterized by large difference in temperature between the highest and lowest point, usually at least 2.5. मैंने hectic fever means होता है high temperature और फटाक से गिर जाना temperature, chill हो जाना, sweats हो जाना, बहुत ज्यादा continuous ठंडा लगना, that is hectic fever. उसके लिए क्या medicine है? Ibuprofen. That is why the great weakness and prostration and a kind of hectic fever with the children unable to study. इतना heavy fever होगा कि वो खड़ा नहीं हो सकता. Acetic acid. Acetic acid, hectic fever, skin dry and hot, red spot on the left cheek and drenching night sweat. रात में बहुत जोर से पसीना आना. उसके बाद आता है septic fever. सेप्टिक फीवर किसे कहते हैं? ए फीवर कॉमन सिम्टम ऑफ सेप्सिस इन मेडिकल इमरजेंसी दैट ऑकर्स व्हेन द बॉडी ओवर रिएक्ट एन इन्फेक्शन. अदर सिम्टम इंक्लूड्स चिल और शिवरिंग, कंफ्यूजन ऑफ डिलीरियम, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्लैमिंग एंड स्विटी स्किन, एक्सट्रीम बॉडी पेन एंड डिस्कम्फर्ट, हाई हार्ट रेट, वीक पल्स और लो ब्लड प्रेशर, लो यूरिन आउटपुट, नोशिया एंड वोमिटिंग एंड डायरिया कम्स अंडर द सेप्टिक फीवर. तो आपके पास मेडिसिन है सेप्टिक फीवर का. नंबर वन मेडिसिन इज एंथ्रेक्सिनम. ठीक है. सेप्टिक फीवर रैपिड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, सिंकिंग पल्स, डिलीरियम एंड फेंटिंग. धड़ाधड़ वेट गिरना, धड़ाधड़ वो डाउन होते जाना, दैट इज एंथ्रेक्सिन का पहचान है. पैविजिनम भी है आपके साथ. सेप्टिक इंफ्लेमेशन फ्रॉम एब्जर्वेशन ऑफ पस एंड अदर डिट्रिशन सब्सटेंस ऑफ बर्निंग पेन एंड ग्रेट प्रोस्ट्रेशन. आर्सेनिक एंड पैरिजिनम भी है. पैरिजिनम क्या है? देखो, इन सेप्टिक फीवर स्पेशली पर्पुरल पैरिजिन हैज डेमोंस्ट्रेटेड इट्स अ ग्रेट वैल्यू एज ए होम्योपैथिक डायनेमिक एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक के रूप में पैरिजिन, पैरिजिन में बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है. मेडिसिन एंटीबॉडी देने के बाद में भी उनका WBC ड्रॉप नहीं करता है. WBC इज वेरी हाई. डायरेक्टली गो द पैरिजिनम वन डोज within short period, within an hour you will get the result. ठीक है. अब आता है कॉमन फीवर, फीवर इन जनरल. तो फीवर किसे कहते हैं? फीवर इज ए सिम्टम दैट योर बॉडी टेम्परेचर इज हायर देन द नॉर्मल, यूजुअली एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन और इलनेस. फीवर आर साइन दैट योर बॉडी इज फाइटिंग ऑफ एन इन्फेक्शन इलनेस ऑफ इंक्रीजिंग योर बॉडी टेम्परेचर सेट पॉइंट. कोई भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए क्या होगा? बॉडी में टेम्परेचर जनरेट करता है. That is the general fever. General fever अगर patient आता है, हम क्या medicine सोचेंगे? पहला medicine सोचना है Aconite. कब सोचना है? Fever, skin dry and hot, face red or pale and red alternative, burning thirst for large quantity of cold water, intense nervous restlessness, tossing about agony, becomes intolerable towards evening and on going to sleep. एमोन कार बॉडी रेड एज फ्रॉम स्कैलेट, पूरा स्किन पूरा रेड हो जाएगा कंपेयर एलियंथस, दैट इज एमोन कार. एमोन कार मार्गनेंट स्कैलेट इन्फेक्शस एंड इरप्टिक फीवर. इरप्शन स्किन में है विद डीप स्लीप, स्टेरिस ब्रीदिंग, मैलरी रशेस ऑफ द फैंटिक डेवलप्ड इन इरप्शन फ्रॉम डिफेक्टिव विटालिटी, threatened paralysis of brain, tuberculinum and zinc is also with you. Anthraxinum, bad effects from inhaling fall odor and putrid fever. Fall odor means dead body, ganda cheese, ये सब देखने से, operation किया हुआ surgeon के बाद कोई OT room में use करने के बाद उसके बाद putrid fever आता है, then you think of anthraxinum. Cactus grandiflorus. फीवर पर्सन रिटर्न एट 11 AM एंड 11 PM. इसका फीवर 11 AM और 11 PM में होगा, देन यू डायरेक्टली गो फॉर कैक्टस ग्रैंडिफोलस. कार्बोलिक एसिड मार्गनेंट स्कैलेटन एंड वेरियोला, मैंने पॉक्स जैसे दाने दाने निकलना, स्कारलेट हो जाना, पूरा रेडिस बॉडी हो जाना इरप्शन के साथ, दैट इज द कार्बोलिक एसिड. कोकलेश इंडिका व्हेन फीवर एज्यूम एज ए स्लो स्निकिंग नर्वस फ्रॉम दी विद फैटिगो.
सिर चक्कर के साथ में स्लो फीवर होना विद डिस्पोजिशन टू एंगर, गुस्सा भी भरा हुआ रहना, देन यू गो फॉर पर्कुलस। यूक्टेरियम पर्फ का फीवर कैसा होता है? यूक्टेरियम पर्फ चिल एट 9 AM, 9 बजे सवेरे बहुत जो ठंडा लगेगा, वन डे एट नून एट द नेक्स्ट डे, बिटर वॉमिटिंग ऑफ क्लॉज ऑफ चिल, उल्टियाँ रहेगी, ठंडापन भी रहेगा, ड्रिंकिंग हैसन चिल एंड कॉजेज वॉमिटिंग, पानी पीते ही उल्टी होना, बोन पेन बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल, इंसेंटिबल थर्स्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल, जाड़ा लगने के पहले और बाद में पानी पीना, एंड ए फीवर, नॉट चिल इज कमिंग बिकॉज ही कैन नॉट ड्रिंक एनफ, थोड़ा सा भी पानी ज्यादा नहीं पी पाता है। इग्नेशिया, फीवर रेड फेस ड्यूरिंग चिल, जाड़ा लगने के साथ ही चेहरा लाल रहेगा, विथ थर्स्ट ड्यूरिंग चिल ओनली, बेटर बाय एक्सटर्नल हीट, हीट विदाउट थर्स्ट वर्स बाय कवरिंग, बेटर बाय कवरिंग इज नक्स मोनिका, वर्स बाय कवरिंग इज इग्नेशिया। मेनेन्थेस, फीवर विच द कोल्ड स्टेज प्रेमिनेंस, कोल्डनेस ऑफ फेल्ट मोस्ट एक्यूरेटली इन एब्डोमेन एंड पैरों में बहुत ठंडा लगना। नेक्टोम्यूल, फीवर ब्लिस्टर लाइक पल्स अबाउट द लिप्स, में पल्स टाइप का मोती के दाने जैसे निकले रहेंगे, लिप्स ड्राई सोर एंड क्रैक्ड, अल्सरेटेड, दैट इज नेटिकेशन। नक्स वोमिका का फीवर कैसा होता है? फीवर ग्रेट हीट, होल बॉडी बर्निंग हॉट, दैट इज एक्यूरेट, फेस रेड एंड हॉट, एट पेशेंट कैन नॉट मूव अनकवर विदाउट बीइंग चिली, जितना चिली नहीं होते हुए भी वो पूरा कवर करके बिना कवर वो घूम नहीं सकता है, हमेशा कवरिंग चाहिए। पोडोफाइलम, फीवर प्रेक्शन इज 7 AM विद ग्रेट लोकोसिटी ड्यूरिंग चिल एंड हीट, स्लिप ड्यूरिंग पर्स्पिरेशन। सेम्बुकस नाइग्रा, फीवर ड्राई हीट व्हाइल ही स्लिप, ऑन फॉलिंग एस्लिप आफ्टर लेइंग डाउन विदाउट थर्स्ट डेड ऑफ कवरिंग, मस्ट बी कवर्ड इन एवरी स्टेज इन नक्स वोमिका, प्रोफ्यूस स्वीट ओवर इंटायर बॉडी ऑफ ड्यूरिंग वॉकिंग आवर्स, ऑन गोइंग टू स्लिप ड्राई हीट एंड रिटर्न स्वीट से जेनस ही क्लोजेस हिज आइज, आंख बंद करते ही उसे पसीना आते रहता है, दैट इज सिंकोरा एंड कोनियम इज ऑल्सो देयर एंड सेम्बुकस भी। अब आ गया ये सब फीवर में जितना गर्म लग रहा, जाड़ा लगने वाले बुखार कौन कौन से हैं? चिल्स आर कॉज बाय रैपिड मसल्स कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलेक्शन, चिल्स चिली कोल्डनेस एंड बॉडी ऑफ चिल्स को कैसे पहचानेंगे? चिल्स आर कॉज बाय रैपिड मसल्स कॉन्ट्रेक्शन, दे आर द बॉडी वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट, व्हेन इट फील्स कोल्ड चिल्स ऑफन प्रिडिक्ट द कमिंग ऑफ द फीवर और इंक्रीज इन द बॉडी ऑफ कोर टेम्परेचर, चिल आर एन इम्पॉर्टेंट सिम्पटम फॉर सर्टेन डिजीज़ेस सच एज मलेरिया, जैसे जितना चिल होगा बॉडी उसको फिर गर्म करने का चेष्टा करेगा, तो दैट इज हीट होगा। चिल और फीवर दोनों एक चीज से रिलेटिव रहते हैं, चिलीनेस है बहुत ज्यादा मेरे बुखार आने वाला है, बुखार जोर से आया तो चिलीनेस भी आने वाला है। अर्जेंट एटिकम, चिल्ली वेन अनकवर्ड, याद रखना चिल्ली वेन अनकवर्ड, इट फील्स स्मूदर एंड रैप्ड अप, अपने कवर क्रैप फैले, फ्रेश एयर उसको चाहिए लेकिन कवरिंग चाहिए। कैल्किया का कोल्डनेस इन जनरल ऑफ सिंगल पार्ट, एक काली बाइक्रोम है, एवर्सन ऑन कोल्ड ओपन एयर गोज राइट थ्रू द हर, सेंसिटिव कोल्ड इन डैम्प एयर, ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, अपोजिट ऑफ सल्फर, कैल्किया का अपोजिट ऑफ सल्फर, सल्फर इज हॉट, कैल्किया भी चिली। कैल्किया फेस का फीवर कैसे होगा? फिस्टुला इन एनी अल्टरनेट विद चेस्ट सिस्टम, लैक ऑफ एनिमल हीट, कोल्ड विश स्वीट एंड जनरल कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। कैम्फोरा, कैम्फोरा इज वेरी चिली पेशेंट बट कवर्ड इज कवर नहीं चाहिए उसको, ग्रेट कोल्डनेस से सरफेस सडन एंड कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन ऑफ वाइटल पोर्स, ओपन रेमेडी इज कंजेस्टिव स्टिल, वेनेसिस इंटरमीडिएट पल्स वीक एक्सटर्नल स्मॉल स्कैरसी प्रेसिटेबल। कैम्फोरा क्या होगा, जितना ठंडा लगने के बाद में कवरिंग नहीं चाहिए उसको, ही ध्यान रखना कैम्फोरा को। कैप्सिकम, एवरी स्टिल इज फॉलोड बाय द थर्स्ट एंड एवरी ड्रिंक्स Settling as the coldness of the body increases, so also does it illomer. Every stool followed by this. जितना बार stool करके आएगा उसको पानी प्यास लगेगा। capsicum का है।
कारोबेज डेफिशिएंट कैपिलरी सर्कुलेशन कॉज ब्लूनेस ऑफ स्किन एंड कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, हाथ पैर ठंडे और स्किन उसके ब्लू हो जाएंगे। देन यू थिंक कारोबेज वाइटल पावर्स ईयरली एडजस्टेड डिजायर टू बी कॉन्स्टेंटली फैन, कंटिन्यूस फैन चाहिए, उसके सामने फैन लगा हुआ होना चाहिए, हवा चाहिए, तो कारोबेज को जल्दी से पहचान जाओगे। अवर्कर्स फ्रॉम कोल्ड लिम्स एंड सफर फ्रॉम द कोल्ड नीज एट नाइट, हाथ पैर ठंडा होने के कारण वो रात को सो भी नहीं पाएगा। इन द लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज विद कॉपियस कोल्ड स्वीट कोल्ड ब्रीथ कोल्ड लंग टंग वॉइस लॉस्ट दिस रेमेडी मे बी सेव ए लाइफ, ये याद रखना। लास्ट स्टेज में कोई पेशेंट आया है, हाथ पैर एकदम ठंडे हैं, श्वास लेने नहीं सक रहा है, बोल नहीं पा रहा है, देन ओनली इज योर मेडिसिन इज कारोबेज। कारोबेज आर जस्ट लाइक ए लाइफ सेवर ड्रग्स जो कोरा में ना पर होम्योपैथिक मेडिसिन। This is gelsemium. Chill without thirst, especially along the spine running and down the back, the rapid wave like succession from the sacrum to occipit. पीछे के सेक्रम से लेके के ऊपर तक एकदम ठंडा लगना, ये इसका gelsemium का लक्षण है, बस अबते ये हॉट पेशेंट है, थर्स्टलेस है, ठीक है। लैडम पाल complains people who are cold all the time, always feel cold and chilly. Ladam Pal, ध्यान से रखना, Ladam Pal is a hot patient है, लेकिन हमेशा उसको जाड़ा और चिली लगा। Leg of animal heat or vital heat, the wounded part are especially cold and touch, part cold to touch but not subjective to the patient. छूने से उसको ठंडा लगेगा, लेकिन गर्म ये से उसको aggravation रहता है, हमेशा याद रखना। Magnesia Falls, ग्रेट ग्रेड ऑफ कोल्ड एयर ऑफ अनकवरिंग और टचिंग अफेक्टेड पार्ट, थोड़ा सा भी ठंडा हवा से उसको बीमारी बढ़ जाएगा। और कोल्ड बाथिंग एंड वॉशिंग और मूविंग। पायरोजिनम चिल बिगेन इन द बैक, पीछे से चिल स्टार्ट होगा बिटवीन द स्कापुला, दोनों स्कापुला के बीच से ठंडा लगना चालू होगा। सीवियर जनरल बोन्स एंड एक्सट्रीमिटीज मेकिंग वन सेट एंड सेप्टिक फीवर, टेम्परेचर 103 to 106, बहुत ज्यादा अगर हाई टेम्परेचर आता है देन यू थिंक द पायरोजिनम। हीट सडन सिंक ड्राई एंड बर्निंग, पल्स रैपिड स्मॉल एंड वायरिंग 140 to 170 पल्स चला जाता है। कोल्ड क्लेमी स्वीट फॉलोज, सीपिया पार्टिकुलर सेंसिटिव टू कोल्ड एयर चिल सो इजिली, लेक ऑफ वाइटल हीट स्पेशली इन द क्रॉनिक diseases, in acute diseases Ladam Pal. Salicia, want of vital heat, always chilly even when taking active and exercise करने के बाद भी उसको गर्म नहीं लगना, ठंडा ही लगना। एक आदमी होता है कि थोड़ा एक्सरसाइज किया तो गर्म हो जाता है, ये ऐसा नहीं होता Salicia. Tabacum, icy coldness of the surface covered with cold sweat. Hand icy cold, body warm and leg icy cold from knees down, trembling of limbs, पैर हाथ कांपते रहना, पूरा हाथ पैर ठंडा रहेगा। थूजा, chill begins in a thigh, थूजा एक peculiar medicine हुआ, उसके जाड़ा थाई में लगता है, उसके पहचान अगर फीवर है, अगर थाई में ठंडा लग रहा है, then you go for थूजा। Vectum album, person habitually cold and deficient of vital heat and reaction. Sensation of lump on the ice on the vertex and chilliness. तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा? सिर में बर्फ रखा हुआ है। Edge of heat and cold at same time on the scalp. गर्म भी लगेगा, ठंडा भी लगेगा। Edge brain were torn to pieces. उसका brain टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। Ice coldness of the face, tip of nose, feet, legs, hands, arms and many other parts. Cold feeling in the abdomen. पेट में पूरा ठंडा मालूम पड़ना। That is vectum album. Thank you.
We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.